बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको और कैसे मजबूत लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार भर का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से संवेदनशील है बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित दिख रहे हैं ऐसे में कई सारे मांग कर रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मोरवा विधायक रणविजय साहू जुड़ेंगे बात करेंगे जी अब रिवाइज रिवाइज रिजल्ट रिजल्ट की की मांग हो हो रही रही है है अभ्यर्थियों के द्वारा मांगे ऐसे में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को और देखिए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है छात्रों के प्रति शिक्षकों के प्रति बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको और कैसे मजबूत करें बिहार में जो हमारे ननिहाल हैं जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे भविष्य हैं उनको कैसे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको दें ताकि हमारा जो संरचना है हमारा जो बुनियाद है वह निश्चित रूप से मजबूत हो तो लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार भर का स्कूलों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यवस्था को सुधार पाएँ

जो आरक्षण देने की बात कर लें चाहे हम निकाय क्षेत्रों में चाहे हम पंचायती राज व्यवस्था में चाहे बिहार सरकार के विभिन्न सेक्टरों में एजुकेशन विभाग हेल्थ विभाग रेवन्यू विभाग सभी तरह के विभाग में जिस प्रकार से बहालियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है आप आपको बड़ी गर्व होगा पटना के सड़कों पर जब बिहार पुलिस में जो हमारे बहने हैं हमारे माताएं हैं और उनको देखने के बाद लगता है बिहार बदला है और बिहार का जो मॉडल है उस मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाने का काम कर रहा है चाहे हम नल जल योजना की बात करना चाह रहे हैं चाहे हम सिपाही बहाली में महिलाओं की आरक्षण की बात करना चाह रहे हैं तमाम ऐसे क्षेत्रों में हमारे बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे थे ऐसे में जो बीपीएससी के चेयरमैन हल्त प्रसाद उन्होंने ट्वीट किया सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात उन्होंने कही ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पिछली दफा केके पाठक ने दिया उस तर्ज पर इस बार रिजल्ट नहीं देना चाहिए ऐसे में कई सारे सीट खाली रह गए हैं और उसको भरने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं देखिये पूरी तरह से राज्य सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से संवेदनशील है हर बिंदु पर हर विचारों पर सरकार राज्य सरकार विचार कर रही है आगे बढ़ने का काम कर रही है जो सरकार का नियमावली है जो पॉलिसी है उसके तहत लगातार इम्प्लीमेंट हो रहा है हम समझते हैं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां एक दिन में सवा लाख साहब नौकरी बांटी जा रही है आज तेरह तारीख को फिर लाखों लोगों की नियुक्तियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है तो ये बड़ी गर्व की बात है कि बिहार में आज रोजगार का मेला है बगल के क्षेत्र यूपी से बगल के क्षेत्र एमपी से हजारों की संख्या में यहाँ छात्र छात्राओं को रोजगार जो मिला है उसका असर पूरे देश स्तर पर विजय जो आ रही पूरी तरह से जो भी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सरकारी जो भी सिस्टम है और जो भी सरल हो पाए उसके लिए लगातार हमारा डिपार्टमेंट हमारी सरकार, लगे सरकार लगी हुई है देखिए लगातार सरकार लगी हुई है जिस तरीके से आ रही है उसको दूर करने में ऐसे में जो भी विसंगतिया आएगी उसको सरकार दूर करेगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा भी करेंगे रणविजय साहू वहीं राजद विधायक और वैसे रणविजय साहू थे हमारे साथ क्या कुछ कर शिक्षक बहाली को लेकर तमाम विसंगतियों को लेकर आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी ट्वेंटी के साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पेज को लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद